संस्कार, प्रायोजक लैक्मे L18, बाहर से नॉटी, अंदर से गुड। आप लोगों के चेहरों पर जो सवाल है उसका जवाब आप अपनी होने वाली बहू से पूछिए। अनु मामा जी क्या कह रहे हैं? ये सच है कि मैं साक्षी की शादी नहीं होने देना चाहती थी। तू इससे जानता है? हाँ हो भी, पर किस्मती से ये मेरी बेटी है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शादी फिलहाल के लिए टली है, कैंसिल नहीं हुई है। जीजी ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया है, उनका भी सच है, ऐसे सदमा कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। क्या हाल है जीजा जी का? कैसे होंगे, कैसे होंगे? By God, हमारे जीजा जी का तो सर शर्म से झुक गया। झुकेगा ही ना, अब आप ही बताइए, झुकेगा ही ना? जब अपनी ही औलाद नाक कटवा दे तो कोई क्या करे? By God, इधर बारात दरवाजे पर, उधर दुल्हन गायब। बताइए, अरे भाई हमारे जीजा जी के तो संस्कार बाय गॉड धरे के धरे रह गए। हाँ। कहा है ना किसी ने, बुद्धि को भ्रष्ट होते हुए कोई समय थोड़ा ही लगता है। अब ये आदर्श, ये संस्कार हमारे जीजा जी के है? इनका ढोल पीटने से फायदा क्या होगा, अपनी औलाद गुल खिला गई बाय गॉड। राम जी झूठ ना बुलवावे, पर आपसे कहते हम इतनी दूर से इनकी खुशी में शामिल होने के लिए आए थे, पर हमें क्या पता था यहाँ खुशी गम में बदल जाएगी। चलो जो हुआ सो हुआ, आप लोग भी चलो, अब यहाँ तो जो होना था सो हो ही गया। हाँ। है ना, नमस्कार। बेचारे जीजा जी, अब पता नहीं जिंदगी में कभी अपना सर उठा भी पाएंगे या नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम दोनों माँ बेटी का बहुत एहसान मंद हूं। तुम दोनों ने तो मेरा काम बड़ा आसान कर। बेवकूफ था मैं, कितना बड़ा बेवकूफ था, कितनी बड़ी गलती की थी मैंने जो तुम्हें कैद करने की कोशिश की। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भाई मेरे तो खुद ब खुद एक तीर से दो निशाने लग गए। वो ओपी का बेटा, वो अब तुम्हारी तरफ देखेगा भी, पर वो ओपी बेचारा मेरे एहसान तले इस कदर दब चुका है कि अब मैं जैसे भी उसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहूं नचा सकता हूं। वो ओपी एक बेटी का मजबूर बाप, और मैं उसे हिम्मत देने वाला उसका मसीहा। कहा था ना मैंने, भवानी शंकर से कोई नहीं जीत सकता।
कोई भी नहीं। पापा ने बिल्कुल सही कहा, उनसे कोई नहीं जीत सकता। वहां सबकी नजरों में तुम्हें गिराकर तुम्हारे रास्ते और भी मुश्किल कर दिए। मुश्किल की नामुमकिन नहीं। उस परिवार को किसी के भी लालच की बलि चढ़ने नहीं दी, हर किसने। सालों से क्लिनिकॉल क्लियर डैंड्रफ हटाता आ रहा है, अब नए जमाने का क्लिनिकॉल क्लियर हटाए डैंड्रफ की जड़, सर की त्वचा के रूखेपन को 10 गुना मॉइस्चराइजर्स के साथ जो रूखापन रोके। डैंड्रफ हटाए जड़ से, अब बोलो डैंड्रफ को, पास आने के कॉन्फिडेंस को। नए जमाने का क्लिनिक ऑल क्लियर। यहां गोली है। करण, द डिटेक्टिव, हर बृहस्पतिवार रात 9:30 सिर्फ DD1 पर। भांजे, साक्षी का कुछ पता चला? नहीं, साक्षी की सारी फ्रेंड्स के यहां भी पता किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। भाई का जी जी, मैं तो कहता हूं पुलिस में रिपोर्ट करा देनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, पहले ही बहुत तमाशा बन गया हमारा, अभी बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। जिंदगी में ज्यादा दौलत तो नहीं कमाई मैंने, लेकिन अपनी इज्जत की पूंजी पर बहुत मान था, उसी पूंजी में सेंध लगा गई हूं। मैं तो कहता हूं दोनों खानदान की बेटियों की वजह से यह कांड हुआ है भाई। अनु को तो हमने अपने घर का, अपने परिवार का हिस्सा समझा था, तो फिर वो साक्षी को अपने घर का हिस्सा क्यों नहीं मानना चाहती थी? दुख तो इसी बात का है कि अपने ही दुख दे गए। आप सब लोग अनु भाभी को ही दोष दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो बात दिख रही है वो वैसे है नहीं। आई थिंक हमें अनु भाभी की बात भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। समझने के लिए बाकी क्या रहेगी आप संजीव? सब जो हुआ है अनुपमा की वजह से, अगर वो साक्षी को श्रेय ना देती तो शायद ये सब होता भी नहीं। लेकिन भैया संजीव बस, तरफदारी बंद करो। आज के बाद इस घर में अनुपमा का नाम कोई नहीं लेगा।
अनु देखो प्लीज बार बार मुझे फोन करके परेशान मत करो। समीर मैं आई हेट यू। सबने मान लिया था कि तुम इस घर की खुशी हो और तुमने इस घर की सारी खुशियां छीन ली। अनु आई हेट यू। समीर प्लीज दोबारा मुझे फोन मत करना और प्लीज यहां आने की कोई जरूरत नहीं। समीर अनु प्लीज रहें चच्चू हमार देख तलैया दिया कपड़ा उतार का कहे हम बहुत शर्माए पलट चच्चू हमका बुलाए ओए बब्बू डोंट बी शाय रहत गोरा फोटू उतार चच्चू का आवा विचार लपके पहुंचे गर्दन घुसाए हाथ हम बहुत चुड़ाए ओए बब्बू डोंट बी शाय कटक लड्डू का अंबार चच्चू लिए लंबी डकार गर्दन झुकाए आंख दबाए बचवा थोड़ा और हो जाए ओए पप्पू डोंट बी शाई बैंड छेड़ी धुन मस्तानी चच्चू आइन फुल कलर में जानी पतली कमरन में कमरा हिलाए चच्चू फिर दोहराए ओए पप्पू डोंट बी शाई भाई साहब इन्हें कॉन्डम देना चच्चू एचआईवी एड्स से बचना हो तो डोंट बी शाई ओए इंडिया डोंट बी शाय संस्कार धन सुख लाल साक्षी का मामा चेहरा पढ़ने में महारत है मुझे बाय गॉड और आपके चेहरे के हाव भाव देखकर बता सकता हूं कि साक्षी के गायब होने के पीछे आपका थोड़ा बहुत हाथ जरूर है भाई का। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मामा जी देखिए जनाब टीकमगढ़ से आए तो क्या हुआ थोड़ी बहुत दुनिया तो हमने भी देखी और हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि होने वाली बहू घर से गायब हो जाए और होने वाला ससुर लड़की वालों को सांत्वना देने लग जाए। बाय गॉड क्या नजारा था साहब लग रहा था जैसे सतयुग उतर आया है जमीन पर नहीं चिंता करने की कतई कोई जरूरत नहीं मैं आपके लिए खतरा बनकर नहीं आया हूं बाय मैं तो आपकी मदद करने आया आपकी जो भी मंशा है उसे पूरा करने में मैं आपकी पूरी पूरी मदद कर सकता हूं पर आप तो ओपी के साला हूं ओपी का साला हूं और आप सोच रहे होंगे कि ओपी का रिश्तेदार होने के बावजूद मैं यहां आपसे मिलने के लिए क्यों चला है तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरा नाम है धन सुख लाल जहां धन का सुख मिलता है हम वहीं के लाल हो जाते हैं भाई और बाय गॉड हमारे जीजा जी उनके साथ तो हमारा हिसाब किताब बैठता ही नहीं है समझ रहे ना क्या हुआ ऐसे क्या देख रहे हैं नहीं कुछ नहीं समझने की कोशिश कर रहा हूं मामा जी थोड़ा थोड़ा चेहरा पढ़ने की महारत हमें भी हासिल है अच्छा है पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आंख बंद करके आपकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए बाय टॉप के बिजनेसमैन है हाँ ठोक बजा करके सौदा करते हैं अच्छी बात तो चलिए साहब हमारी तरफ से भी एक फ्री सैंपल हो जाए ये जो ओपी का मझला बेटा है ना संजीव ये आपके घर आ रहा है
आपकी बेटी अनु से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, क्योंकि संजीव को इस बात का शक है कि साक्षी के गायब होने में सिर्फ अनु का हाथ नहीं हो सकता। जरा देर के लिए, घड़ी भर के लिए सोचिए कि उसके शक की सुई घूमते घूमते अचानक आप पर आकर के रुक जाए तो क्या होगा? होगा ये कि ओपी के घर वालों के दिलों में आपके लिए अविश्वास बैठ जाएगा, और फिर ना तो साक्षी आपके घर की बहू बन पाएगी और ना आपकी मंशा पूरी हो पाएगी भाई, और आपकी अपनी लड़की आपके हाथ से गई सो अलग भाई। देखिए जनाब, मौसम विभाग की चेतावनी हमने दे दी है, तूफान के आने की आशंका है। अब जान माल की रक्षा करना तो बाय गॉड आपका काम। मौसम विभाग की चेतावनी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोग हमें बहुत पसंद हैं। मिलते रहना। जरूर जरूर। अब आप जा सकते हैं मामा जी। नमस्कार। सेलो पेन का हाई रेजिस्टेंस निकल सिल्वर टिप कभी भी लिख के कहीं ना रुके। चलो चलो सेलो, चले मेरा सेलो, चलो चलो सेलो, चले मेरा सेलो। दुनिया भर में हमारे टेस्टिंग सेंटर्स ने खोज निकाली है नए हेड एंड शोल्डर्स की शक्ति। डैंड्रफ जो दूसरे शैम्पू तीन धुलाई में ना हटा पाए, हेड एंड शोल्डर्स उसे हटाए सिर्फ एक धुलाई में। अब विम्टा इंडिया द्वारा प्रमाणित नया हेड एंड शोल्डर्स, तीन से बढ़कर एक में शक्ति। ये है मेरे पति। उस चिंगारी का नामो निशान मिटा दूंगी, ताकि हवा आने पर वो आग न बन पाए। अब तो समझ जाओ कि हवाओं का रुख बदल चुका है। प्रायोजक न्यू लक्स व्हाइट ग्लो, निखार की नई शुरुआत। अरे बेटिया, बेटिया होती है ऐसी है, माँ बाप के दिल के इतने करीब कि वो कुछ कहती भी नहीं और माँ बाप को उनके दिल की सारी बातें पता चल जाती है। बेटियाँ जो होती है ना, वो दो घरों का मान होती है, अपने मायके का मान होती है और अपने ससुराल का मान, उसका सम्मान बढ़ाती है। क्यों इतना घबरा रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। साक्षी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पर भरोसा है, इसीलिए तो इतना बड़ा कदम उठाया है मैंने। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत डर सा लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। एक मन कहता है कि मैंने जो किया वो सही किया, और एक मन कहता है कि मैंने बहुत गलत कदम उठाया है। साक्षी, प्यार में उठाया हुआ कोई कदम गलत नहीं होता। क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? क्या मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा? नहीं ना साक्षी, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं साक्षी, साक्षी बहुत प्यार करते हैं। कहाँ जा रहा है? जी वो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? भवानी अंकल के यहाँ जा रहा हूँ। उनसे ये पूछने जा रहा हूँ कि अगर साक्षी का कुछ पता चले तो। भवानी को अगर साक्षी के बारे में कुछ मालूम होता तो वो सबसे पहले मुझे बताता। मैं जानता हूँ तुम अनु को मिलने जा रहे हो। खैर, मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनो।
इस घर में अगर अन्नू का ख्याल कोई मन में भी लाएगा तो वो उसी गुस्से और नफरत के काबिल होगा जैसे अन्नू। आप सब लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि अनुभवी गलत है। इसके पीछे जरूर कोई बात छुपी हुई है। बस भैया यहीं रुको। हाँ जी कितना हुआ देखो अंकल। अब मेरी और अनु की शादी का क्या होगा? तुमसे ज्यादा हमें चिंता है इस बात की। ये सब झमेला ना हुआ होता तो अब तक तुम्हारी और अनु की शादी की तैयारियां ये सब अनु की वजह से गड़बड़ हुई है। सब कुछ बेचारी साक्षी बेटी पता नहीं कहां है। ओपी इतना परेशान है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह जाकर उसे अपना मुंह दिखाऊं। नमस्ते अंकल। अरे अरे संजीव बेटा आओ बेटा आओ। अरे सुनो वो संजीव आया है कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। कहो बेटा कैसे आना हुआ? जी मैं तो ये पूछने आया था साक्षी का कुछ पता चला? हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की लेकिन बेटा जितने चिंता तुम्हें है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमें है साक्षी की। हमारे घर की होने वाली बहू है वो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। नमस्ते बैठो। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना। ये विशाल मेरे दोस्त का बेटा मेरे साथ ही काम करता है। नमस्ते। हाय। और सबसे बड़ी बात अनु का होने वाला पति है ये। सोचा था कि रोहित और साक्षी की शादी हो जाए उसके बाद विशाल और अनु की शादी करवा के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। भाई सगाई तो बहुत साल पहले करवा दी थी। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। बेटा चाय तो पी के जाओ। जी नहीं थोड़ा जल्दी में हूँ बस। एनीवे बेटा वो ओपी को कहना कि चिंता मत करे सब ठीक हो जाए। जी संस्कार प्रायोजक लैक्मे LA टीन बाहर से नॉटी अंदर से गुड।